तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत लेवल 2 मॉर्निंग शिफ्ट मिड टर्म एग्जामिनेशन 2022-23 संस्कृत की मार्किंग स्कीम यानी आंसर की जो स्कूल को प्रोवाइड की गई है। बिना किसी डाउट के अपने आंसर मैच कर लो कि आपने कितना राइट किया है, कितना रॉन्ग किया है। ठीक है, तो देखते चलो। एक पदयन उत्तरत, फर्स्ट में ये फर्स्ट का आंसर है, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर, फोर्थ का आंसर, एक पदयन में चारों के आंसर हैं। आगे फर्स्ट में ही पूर्ण वाक्यन, उसमें पहले का आंसर, दूसरे का आंसर। ठीक है, फर्स्ट में पूर्ण वाक्यन जिसमें पूरी लाइन लिखना था, ये पहले का आंसर और ये दूसरे का आंसर है। आगे फर्स्ट में ही तीसरे का आंसर है, तीसरे में पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, और फर्स्ट के चौथे का आंसर जो शीर्षक लिखना था, ठीक है ना, वो है। तो फर्स्ट के टोटल चार पार्ट थे, कंप्लीट हुए। अगला सेकंड का आंसर देखो, ये आंसर नंबर सेकंड है, खंड ख, ठीक है, ये अथवा का आंसर है, ये दोनों आंसर हो जाएंगे दूसरे के आंसर में। ठीक है, आगे देखो, ये आंसर नंबर थर्ड है, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर, ठीक है, आंसर नंबर थर्ड में है। आगे देखो, ये आंसर नंबर फोर है, फोर में फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर, फोर्थ का आंसर, ठीक है ना, चौथे में चारों के आंसर हो गए। आंसर नंबर फाइव, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर, ठीक है, आंसर नंबर फाइव हो गया। आंसर नंबर सिक्स, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का, चौथे का, ठीक है ना, सिक्स में चारों के आंसर हो गए। आंसर नंबर सेवन, सेवन में पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर, ठीक है। आंसर नंबर एट, एट में का, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, एट में का पहले का आंसर, दूसरे का आंसर। आगे देखो, आंसर नंबर एट में का में तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर, फिर आंसर नंबर एट में ही खा है, खा में पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर, ठीक है, ये दोनों एट में का के आंसर हैं, तीसरा चौथा, और ये आंसर खा है एट का, ठीक है, ये चारों आंसर हो जाएंगे। आगे खंड घ, आंसर नंबर नौ, नौ में आ, एक पदेन उत्तरत में पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, नौवें में एक पदेन में पहले का आंसर और ये दूसरे का आंसर। आगे देखो, आंसर नंबर नौ में बा, पूर्ण वाक्यन में पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, फिर यथा निर्देश में पहले का आंसर, नौ में ही ये बा का आंसर है पहला, दूसरा ये सा का पहला आंसर है। आगे देखो, आंसर नंबर नौ में सा में ही ये दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, फिर आंसर टेन स्टार्ट है। आंसर नंबर दस, एक पदेन में पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, पूर्ण वाक्यन में पहले का आंसर। आगे देखो, आंसर नंबर दस में पूर्ण वाक्यन में पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, सा निर्देश अनुसार में पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, ठीक है ना, दस का ही आंसर है, ध्यान रखना। और ये तीसरे का आंसर है दस में ही, पूर्ण वाक्यन में पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, निर्देश अनुसार में पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, आंसर नंबर दस में। आगे देखो, आंसर नंबर ग्यारह, एक पदेन में पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, पूर्ण वाक्यन में पहले का आंसर, आंसर नंबर ग्यारह में, ठीक है, आंसर नंबर ग्यारह में ही पूर्ण वाक्यन में दूसरे का आंसर, फिर यथा निर्देशन में पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, ठीक है, ये सब ग्यारह में ही चल रहा है। आंसर नंबर 12, पहले का आंसर, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का आंसर, 12 का आंसर है। आंसर नंबर 13, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर, टोटल 13 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हुए। ठीक है ना, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।